नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyayurved.com के इस YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको नए नए अपडेट्स का पता लगता रहेगा। दोस्तों लाइक और शेयर भी जरूर करें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो मित्रगण है, वो भी इन वीडियो से लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक। दोस्तों आज हम कुछ ऐसे प्रयोग डिस्कस करेंगे जिससे कि आप हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लिए इसको प्रयोग कर सकेंगे, और निश्चित ही आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलने चाहिए, और बहुत ही इजी प्रयोग है, आप घर पे कर सकते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों आइए इसमें देख लेते हैं। जो पहला प्रयोग है सेब को लेकर के है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को नित्य 2 सेब खाने चाहिए। इससे पेशाब खुलकर और जल्दी आता है, इससे शरीर का नमक बाहर निकल जाता है और गुर्दों को आराम मिलता है। और दोस्तों उच्च रक्तचाप में अमृत के समान है नींबू। तो हृदय के रोगी की कमजोरी दूर करने के लिए नींबू में विशेष गुण होते हैं। इसके निरंतर प्रयोग से रक्त वाहिनियों में लचक और कोमलता आ जाती है, और इनकी कठोरता दूर हो जाती है। इससे बुढ़ापे तक हृदय शक्तिशाली बना रहता है और हृदयघात का भय नहीं रहता। प्रातःकाल एक नींबू का रस चाय जैसे गर्म पानी में मिलाकर पीना बहुत हितकारी होता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है वो नारंगी को लेकर के प्रयोग है। दोस्तों उच्च रक्तचाप में 2 नारंगी नित्य खाते रहें, रक्तचाप सामान्य रहेगा। नित्य प्रातः भूखे पेट 1 गिलास नारंगी का रस पिएं, और रात को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध पिएं। इनमें पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है, और पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा बढ़ाकर रक्तचाप कम किया जा सकता है, जो नारंगी और दूध के सेवन से बढ़ जाते हैं। ये मिनरल्स उच्च रक्तचाप के जिम्मेदार सोडियम का स्तर बढ़ाने में किडनी को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। तो दोस्तों आप ये जरूर करके देखें, अगर आपको ऐसी कोई रक्तचाप की प्रॉब्लम है तो आपको निश्चित ही इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। तो आप ये करें, और आपके जो भी फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, वो हमसे जरूर शेयर करें।